तो तमारा स्वागत छे मेरे व्लॉग में। तो और गुजरात में हमारा आने का यही प्लानिंग चल रही थी कितने दिनों से कि यहाँ पर आना है। तो हमारी प्लानिंग ऐसी रहती कि कभी भी प्लान हो जाता है। तो हमने कल रात को ही प्लान बनाया, कल रात को ही निकले। तो अभी हम आए स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो अभी हमने अपना बैग वगैरह सब जमा कर दिया है। तो सिर्फ अपने पास ट्राइपॉड और एक पानी की बॉटल है। थोड़ी खुशी, थोड़ा दर्द, थोड़ा गम, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। थोड़ा जाम, थोड़ा काम, थोड़ा आराम, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। थोड़ी खुशी, थोड़ा दर्द, थोड़ा गम, यही है जिंदगी। So guys, now done with the security check-in. तो अभी हमारा स्लॉट 12 से 2 का है। तो सिर्फ 5 मिनट ही लेट हुआ था, तो चेंजिंग के लिए टाइम लग गया। तो हमें व्यूइंग गैलरी के लिए जाना था, तो उसके लिए नीचे से जाना पड़ता है। आप अगर ऊपर चले जाते हो तो सिर्फ उनके पैर तक ही जा सकते हो। और अगर आपका व्यूइंग गैलरी का टिकट है तो प्रेफर किए नीचे से ही जाओ, उधर से राइट लिफ्ट वगैरह है। तो बस खोना जाऊं, कदम को रुकने ना दूं, मैं तो बस चलता जाऊं, वक्त को थमने ना दूं, मैं तो बस। तो व्यूइंग गैलरी के लिए इधर से लाइन वगैरह लगाना पड़ता है। तो जल्दी से लाइन में चलते। सो दिस इज द चेस्ट पार्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू। सो यहाँ से नीचे का व्यू एकदम औसम दिख रहा है, एज यू कैन सी। और 5% उसमें डाला है टिन, जिंक और लेड, जंग कभी नहीं लगेगी। 6/5 के स्केल से अर्थ वेग दिया गया, तो स्टैचू को कुछ होने वाला नहीं है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से कभी हवा भी आ गई तो निकल जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू जो बनाई है मोदी जी ने, सबसे टॉलेस्ट बनाई है, 182 हाइट, 182 ही की बनाई, क्योंकि गुजरात की विधानसभा की सीट जो है 182 सीट है, इसीलिए 182 रखा है। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा बनाई क्यों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम भी ऐसे किए थे। नहीं कल नहीं, आज अभी इस पल को जीना है, जीना है। नहीं अभी नहीं, इस शाम को कल नहीं, आज जीना है, जीना है। रास्ते मिल गए, मंजिल खो गई, और ढूंढ रहे हम जाने क्या। खो गया मैं जहां, खुद को खुद मैं ढूंढ रहा। मैं तो बस खोना जाऊं, कद
कदमों को रुकने ना दूं, मैं तो बस चलता जाऊं, वक्त को थमने ना दूं। भारत को 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को स्वतंत्रता मिली, लेकिन ये भगवान के तो गाइस अभी हम जो वल्लभ भाई पटेल जी का, सरदार जी का जो लेग है, तो उसके पास जा रहे हैं अभी। तो हमने नीचे का सब देख लिया और उसके बाद जो भी कुछ सिनेमैटिक वगैरह थे वो आपने देख लिए होंगे। तो उसके बाद अभी मैं ऊपर जाऊंगा और नीचे से ऐसा दिखता है स्टैचू। तो बस चलता जाऊं, तो बस खोना जाऊं, कदमों को रुकने ना दूं। मैं तो बस चलता जाऊं, वक्त को थमने ना दूं। पल को जीना है, जीना है, नहीं अभी नहीं, इस शाम को कल नहीं, आज जीना है, जीना है। रास्ते मिल गए, मंजिल खो गई, और ढूंढ रहे हम जाने क्या। तो गाइस अभी पूरा देख के हो चुका है, तो अभी हमारा अभी 2 बज रहे, तो अभी स्लॉट भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम या फिर डैम पॉइंट पे जाएंगे या फिर घर के लिए निकल पड़ेंगे, क्योंकि आने के लिए हमें 12 घंटे लगे। तो आप सोच सकते हैं, वो भी बाइक पे, पूरा शोल्डर पेन, नेक पेन। तो गाइस आने आते टाइम 12 घंटे लगे और पूरा नेक पेन, शोल्डर पेन, सब हो रहा पेन। तो इसके वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि हम कुछ स्पॉट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, लेकिन हमें सुबह होने से पहले घर के लिए निकलना, मतलब घर पे पहुंचना होगा। तो चलो, दिस इज़ द फूड कोर्ट। तो गाइस यही तक मेरा व्लॉग था। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लेस आकाश। और चलो फिर अभी हम घर के लिए निकलेंगे, तो जाते टाइम मैं इतना कुछ शूट नहीं करने वाला, सीधा अभी घर जाने वाला हूँ। चलो बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी दिन। हो गया मैं जहाँ खुद को खुद मैं ढूंढ रहा। तो बस खोना जाऊं, कदमों को रुकने ना दूं। मैं तो बस चलता जाऊं, वक्त को थमने ना दूं।